बताइए। सर मेरा नाम अनुज त्यागी है, मैं विलेज कुतुबपुर पोस्ट बड़ला डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का निवासी हूँ। तो सर आपको जो मौसमी फार्मिंग कर रहे हो सर, सर कितने दिन हुए हैं सर? सर ये अभी हमने मौसमी के पेड़ जो हैं वो नवंबर 2020 में लगवाए थे जी, और अभी लगभग नवंबर में ही इसको एक साल पूरा होगा जी। तो ये हमारी एक फार्मिंग भी है, इससे अलग फार्मिंग भी है, तो इसी के साथ में हम देसी मुर्गा फार्म है, देसी मुर्गा फार्म के साथ में ही हम इसको कर रहे हैं। इसको कर रहे हैं जी। अब इसके बेनिफिट बताओ सर जी लगभग जी। आपने जो ये लगभग कितनी जमीन में सर आपने ये फार्मिंग किया सर मौसमी की? सर ये टोटल पूरी जमीन जो है वो 2.5 बीघे के आसपास है। 2.5 बीघे का जी। तो लगभग कितने पेड़ लगाए सर आपने? सर इसमें 135 पेड़ है। 135 पेड़ है जी। और सर इसकी किस्म की बात की जाए तो सर ये कौन सी किस्म का पौधा है सर? सर ये कौन सी? चवन्नी नस्ल की मानी जाती है, इसको चवन्नी बोला जाता है, क्योंकि इस नस्ल पे आप यहाँ देख रहे होंगे तो एक ये चवन्नी का निशान आता है पूरा, इसलिए इसको चवन्नी नस्ल कहा गया है। और सबसे ज्यादा मांग इस नस्ल की मौसमियों में है। तो सर इसकी यदि जैसे ये एक साल से पहले इसने फल दे दिया है जी, सर ये प्रॉपर कितने दिन में सर फसल तैयार हो जाती है? सर इसमें दो वैरायटी होती हैं, दो से तीन वैरायटी हैं जो लगभग 6 महीने पे फसल देती हैं और 1 साल पे फसल देती हैं। तो ये जो हमारे पास जो नस्ल है ये पूरी 1 साल में फसल देती है। 1 साल में फसल देती है। और सर फसल की बात की जाए तो लगभग सर कितने दिन तक ये सर ये फसल देती है सर? ये सर ये लगभग पूरा 10 साल का प्रोसीजर है, लगभग 3 साल से ये फसल देना शुरू करेगा। लगभग फसल तो देगा ये साल भर से, 2 साल पे, 2.5 साल पे, लेकिन 3 साल पे प्रॉपर फसल देना शुरू कर देगा और आगे आने वाले 7 साल तक ये फसल देगा। पेड़ से पेड़ की दूरी सर कितनी है सर? सर ये लगभग 12 फीट की दूरी कम से कम रखें, जिससे कि आराम से उसमें से ट्रैक्टर निकल जाए, जिससे कि खिका सर पौधा आया था सर। सर ये लगभग हमें पड़ा है 80 रुपए के। 80 रुपए का पड़ा जी। 80 रुपए का पड़ा है। टोटल कितने हैं? 135। 1 लाख के लगभग हो गया। तो मैक्सिमम कितने दिन में तैयार हो जाएगा? सर ये अगली बार जब आप आओगे तो ये आपको अच्छी तरह से फसल देता हुआ मिलेगा जी, क्योंकि अभी हम इस पर से फल इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसकी हमें ग्रोथ करानी है। ग्रोथ करानी, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी अगर हमने इससे फल लिया तो जो फल आता है उसको हम चूंट देते हैं। तो इसकी मैक्सिमम हाइट और बढ़ेगी? ये लगभग आपका ये मान के चले 8 फीट तक जाएगा, 8-9 फीट तक जाएगा। 8-9 फीट तक जाके इसका पूरा का पूरा एक छतरी नुमा बन जाएगा। बल्कि अब इसकी नवंबर में इसकी कटिंग होगी। अच्छा। कटिंग होके इसकी जो बाहर शाखाएं चल रही हैं उसको काट के गोल किया जाएगा, जिससे कि ये फिर एक शेप में चले। एक कटिंग इसकी पहले हो चुकी है, अब ये दूसरी कटिंग होगी नवंबर में। वो ये सर जी, ये पाइप सेटिंग वाला पाइप है।